विदर्भ की जो टीम है रणजी की, जो करंट चैंपियन, उसको करंट चैंपियन लगातार दो साल बनाने में जिस खिलाड़ी का सबसे बड़ा योगदान है, आज वो मेरे साथ मौजूद है, रजनीश गुरबानी। रजनीश, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। रजनीश, जो आपने हैट्रिक ली 2017 में, हालांकि हैट्रिक ली थी इन्होंने और वो इतिहास था, तीनों वर्ल्ड मारे इन्होंने उस हैट्रिक में, खुद ही बताएं क्या फील हुआ था उस पर, क्या था सिचुएशन? Definitely it was a very special moment and according to me, अगर मेरे को कुछ याद करके जो अपना बेस्ट मोमेंट याद रखता है तो वो हैट्रिक ही है। बट डेफिनेटली जब वो हैट्रिक लेने के पहले आई नेवर थॉट आई बी टेकिंग हैट्रिक इन द फाइनल्स, और तब बस एक जोश रहता है कि हमको विकेट लेना है, हमको मैच जीतना है, तो बस वो इंटेंशन से बॉलिंग किया और लकीली जो टेक्निक है भुवनेश्वर से काफ़ी मिलती जुलती मानी जाती है। कहा जाता है कि भुवनेश्वर की जो स्विंग है वो रजनीश से काफ़ी मिलती थी, तो टेक्निक के बारे में बात करना चाहूँगा कि आजकल जो टेक्निक चल रही है, क्या आपको क्या वर्कआउट करा उस टेक्निक पे से ज़्यादा? डेफिनेटली मेरे को पता है कि मेरी स्ट्रेंथ है स्विंग करना, बॉल को दोनों तरफ स्विंग करता हूँ और वो मेरे को अभी तक का विकेट दिलाते आ रहा है। तो डेफिनेटली अभी और अपनी बॉडी को कैसे हम कंसिस्टेंट बना सकते हैं, क्योंकि पहले हम सिर्फ बहुत कम मैचेस खेला करते थे और अभी जितना हम लोग को मैचेस मिल रहा है, जैसे कि मैं अभी इंडिया है अगर ऊपर लास्ट ईयर खेल के आया था, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि तो उतना बॉडीज को सस्टेन करने के लिए आपको उतना ही और एक्स्ट्रा एफर्ट इन द जिम और अपना रियाब देना पड़ता है। तो ऑब्वियसली अभी मैं वो उस पर ज़्यादा वर्क करता हूँ कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी कैसे बढ़ाऊँ, एक मैच नहीं हर मैच में वही सेम इंटेंसिटी से बॉल करना, मैं क्या क्या डाइट वाइट वो सब पे ध्यान देना है, तो वो सब पे आजकल ज़्यादा वर्क करता हूँ। हाँ, जब स्टार बॉलर कौन है टीम के, तो मैं बात करूँ कौन सा बॉलर जो आपके लिए सबसे ज़्यादा आपको पसंदीदा गेंदबाज है आपका, उसकी तरह बनना चाह रहे हैं? नहीं, मैं जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था अंडर 19 BCA में आया था जब मैं, तो फिर मैं हमें तब से उमेश यादव को देखता था जब वो रणजी ट्रॉफी खेलते थे, तो हम लोग एज नेट बॉलर्स इन रणजी ट्रॉफी रहते थे, तो मैं तब हमेशा उनको आइडलाइज करता था और उनको फॉलो करता था। बट और हमेशा से एक थोड़ा नर्वस रहता था कि उनसे बात करने कब मिलेगा, क्या होगा। तो एक दिन वो ऐसे ही बैठे थे नेट्स में और फिर मैंने उनसे बातचीत किया, तो उनने जिस तरह से मेरे को बहुत अच्छे इनपुट्स दिए रिगार्डिंग बॉलिंग और वो मैं अभी भी यूज़ करता हूँ। तो ऑब्वियसली तब से मेरे को ऐसा था कि मेरे को जब मैं 19 खेल रहा था तब से मेरे को ऐसा था कि मेरे को उमेश यादव के साथ बॉल करना है फर्स्ट ओवर और सेकेंड ओवर हंड्रेड ओवर डाले, तो मैं ड्रीम कर रहा था हमेशा। तो फिर वो मौका मेरे को लास्ट ईयर मिला उनके साथ डालने का, तो मैं तब से उन्हीं को आइडलाइज करता हूँ। भले मेरी बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ अलग है, मेरी स्ट्रेंथ अलग है, वो बहुत ज़्यादा क्विक बॉलर है, मैं स्विंग कराता हूँ, तो बट बॉलिंग पैटर्न डिफरेंट है, बट आई लाइक इट एंड मैं उनको आइडलाइज करता हूँ। भारत के पीछे जो है स्विंग के लिए माफी मानी जाती है कई बार की, भारत के जो पीछे वो स्विंग होती है, तो क्या लग रहा है कि आगे स्विंग को आप उस लेगेसी को आगे ले जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी अगर देखें तो भुवनेश्वर जो है कम्प्लीट एक स्विंगर है टीम के पास, तो उस लेगेसी को आगे ले जाने के लिए क्या सोच रहे हैं? आगे लेके जाने के लिए एज एन मैं और कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ वो नहीं करूँगा, बट जितना हो सके स्विंग में जितना अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ, कंसिस्टेंसी और जितना बढ़ा सको, बिकॉज देयर इज नो लिमिट टू योर कितना तुम और अच्छा जितना चाह सकते हो जाना चाहूँगा मैं, तो वही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके स्विंग को और अच्छा अपना बेहतर बनाना चाहूँगा, कंसिस्टेंटली डालना चाहूँगा। अगर आपको टीम इंडिया में मौका मिले तो किस जगह पे ओपनिंग बॉलिंग डालना चाहेंगे या फिर ओवर से आगे बॉलिंग डालना चाहेंगे, डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बनना चाहेंगे, डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हालांकि बुमराह भी मिले हैं, तो डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट बनना चाहेंगे? ऑब्वियसली मेरे को नया बॉल मिलता है तो मैं स्विंग करने में बहुत मज़ा आता है, तो आई एन्जॉय दैट इज माई स्ट्रेंथ। और ऑब्वियसली अब जैसे कि अपन ये नहीं बोल सकते कि तुम सिर्फ नया बॉल डालोगे, ऑब्वियसली तुमको सब कुछ सीखना पड़ेगा, मेरे को बीच में डालने का भी सीखना पड़ेगा और डेथ में भी डालना सीखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो मेहनत अभी भी करो। जैसे T20 हम खेल रहे हैं तो स्विंग मेरे को पता है कि मैं पहले तीन ओवर बहुत अच्छे दो ओवर अच्छे डाल दूँगा, बट डेथ में भी डालना है, तो हम लोग उसका भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक चीज़ पे नहीं रहना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, तो मैं ओवरऑल कैसे इम्प्रूव करना, जो मेरा अभी जिस मेरे को परफेक्शन लग रहा है कि मेरे को आते जा रहा है, परफेक्शन नहीं बोलूँगा बट जिस पे मेरे को लगता है कि मेरी ये मेरे को चीज़ मेरे को कॉन्फिडेंस है, तो मैं दूसरी चीज़ पे जाता हूँ कि अब मैं ये इम्प्रूव करूँ और ये इम्प्रूव करूँ ऐसे। तो भारत के युवा जो देखे गए हालांकि वो T20 और IPL में ज़्यादा फोकस मार रहे हैं, हालांकि विराट कोहली ने भी कहा है कि टेस्ट फॉर्म में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं जानना चाहूँगा आपका क्या फोकस है अभी, T20 है या टेस्ट? टेस्ट जो एक अलग लेवल पे देखा जाए तो चला गया, टेस्ट चैंपियनशिप चालू हो गई, डे नाइट टेस्ट इंडिया खेलने जा रहा है, तो आपका क्या फोकस है फिलहाल? फोकस
ऐसे एज ए प्लेयर आप ये कभी नहीं चाहोगे कि आप कोई एक चीज, मतलब यस डेफिनेटली हमारा एक फोकस रहता है, तो मैं अभी हमेशा जब भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं हर एक मैच को उतना ही सीरियसली लेना चाहता हूँ जितना मैं कोई दूसरे फॉर्मेट को लेना चाहूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी वन डेज हुए तो आई प्रैक्टिस विद द वाइट बॉल और मैंने वन डेज के हिसाब से अलग प्रैक्टिस किया और वो मेरे लिए अभी उस वक्त के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था। अभी से टी ट्वेंटी आ रहा है और अभी मैं देख रहा हूँ तो अभी हमारा एम है, जैसे कि मेरा एम है पर्सनली, अभी तो स्टार्ट भी नहीं है, कि इस साल हमको टी ट्वेंटी जीतना है और जैसे और टी ट्वेंटी के साथ रणजी ट्रॉफी या नारायण ट्रॉफी, तो तीनों फॉर्मेट। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि किस चीज़ पर फोकस करेंगे, तो अभी मैं करेंटली टी ट्वेंटी मोड में हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग प्रैक्टिस, आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर टी ट्वेंटी, सो मैं टी ट्वेंटी जीतना चाहूँगा एट दिस करंट मोमेंट। बट जैसे ये पार होगा तो फिर नेक्स्ट फेज जो भी आएगा उसके बाद वो खेलते हैं। हालांकि एक हर प्लेयर का सपना होता है कि डेब्यू करना है और विराट की कप्तानी में डेब्यू करने का हर युवा का सपना हो रहा है, तो आपका सपना क्या है कि विराट की कप्तानी डेब्यू करने का किस फॉर्मेट में, टेस्ट में, टी ट्वेंटी या ओडीआई? ऐसा कुछ पर्सनल ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मेट में डेब्यू किया जाए, बट यस अगर टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू करके उनके साथ मिलता है, क्योंकि मैंने टेस्ट लास्ट ईयर रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा किया, तो लास्ट टू लास्ट ईयर अच्छा गया, तो अगर मेरे को टेस्ट में उनके साथ डेब्यू करने मिलता है और उनकी कैप्टनशिप में, तो ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि वो, और मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट वही ऐसा जानना रहता है कि हाउ इज ही सो कंसिस्टेंट। लाइक बहुत सारे प्लेयर्स, मतलब जैसे हम भी होते हैं कि अगर एक दो मैच में बहुत अच्छा कर लो तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंसी है वो होता है, बट उनमें कभी नहीं आया वो, और वो कंसिस्टेंटली हर मैच बाय मैच परफॉर्म करते आ रहे करते आ रहे। तो मैं उनके बहुत वीडियोज भी देखता हूँ कि जिसमें वो इंटरव्यूज देते हैं, और मैं उनसे वही सीखना चाहता हूँ कि वो हाउ इज ही सो कंसिस्टेंट। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बहुत बड़े क्रिकेट जगत में बहुत सिंगर अच्छे अच्छे बॉलर हैं, भुवनेश्वर हो गए, जिमी एडल्सन हो गए, अगर आपको किसी बॉलर से एक बार एक टिप लेनी हो तो कौन सा बॉलर है? डेफिनेटली मेरे को भुवनेश्वर कुमार से अगर मेरे को 10-15 मिनट बात करने मिले तो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी, बिकॉज ही हैज़ गॉन थ्रू बोथ ऑल द फेजेस और वो करेंटली स्विंग बॉलिंग में तीनों फॉर्मेट्स में रूल करते हैं, और मेरे को उनकी बॉलिंग पैटर्न और उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो जरूर जानना चाहूँगा। बात करने बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।